सेक्टर 7 में पिछले 11 साल से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया है। वापस काम पर रखने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सामुदायिक केंद्र के बाहर धरना शुरू कर दिया है। शनिवार को 38वें दिन गोहाना विधायक जगबीर सिंह मलिक पहुंचे। कर्मचारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि सरकार गरीब विरोधी है। पिछले 11 साल से 9 सफाई कर्मचारी सफाई कर अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। सफाई कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर विधानसभा में सीएम के सामने मांग रखी है। योजना के 5 साल से कार्यरत कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए। धरने पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव धर्मपाल मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने श्रम कानून को संसद में पेश कर अपना चेहरा दिखा दिया कि भाजपा मजदूर विरोधी है। इस मौके पर सीटू से नरेश खंडेलवाल, गोहाना अध्यक्ष रमेश अत्री सियाराम, सुरेश यादव, रामनिवास आर्य आदि कर्मचारी यूनियनों के अलावा सदस्य सफाई कर्मी विजेंद्र राखी, संदीप मोनू, बूटाराम, सुनीता सरोज आदि मौजूद रहे। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला सोनीपत का सेक्रेटरी हूँ। एक तरफ से सरकार नारा दे रही है स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, लेकिन जो सफाई का काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं लोगों को बगैर सूचना के, बगैर नोटिस के 24 तारीख को हटा दिया गया है। आज भी इनका धरना लगातार 38वें दिन में प्रवेश कर गया है। दूसरी तरफ से सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन मजदूरों में 8 हमारी महिलाएं भी हैं जो बेटियां हैं इस देश की, जिनके बच्चे आज त्यौहार के दिन लोग खुशियाँ मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे बाढ़ देख रहे हैं कि शाम को मम्मी आएगी पापा आएगा और तनख्वाह लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, लेकिन उनके बच्चे आज रोटियों के लिए भी मोहताज हैं। आने वाले इस चुनाव में एक वोट हर गांव में जाएंगे, हम इनकी पोल खोलेंगे, पूरा बताएंगे मजदूर विरोधी हैं, किसान मजदूर किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और तमाम खामियाजा इनको आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, इनका हम डट करके इस चुनाव में विरोध करेंगे। आप सरकार के खिलाफ इस तरह से अभियान जारी रखते हो, अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया तो मेरे को खुशी होगी। अगर किसी कर्मचारी आंदोलन में मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई भी मुकदमा अगर सरकार बढ़ाती है मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए काम करता रहूंगा और सरकार से बेझिझक होकर के लड़ाई लड़ता रहूंगा। क्या कहना बताओ एक बार। 38 दिन आज हमारे यहाँ बैठे हुए और आज ये सबसे नंदा करने की बात है, ये सरकार के खिलाफ है। हमारे आज त्योहार का दिन है, सरकार तो वहाँ पकौड़े जलेबियाँ खा रही है, हमारे बच्चे बात ये देख रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा आएंगे हमारे लिए कुछ त्योहार के दिन बनाएंगे, जब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं होगा पास जाके रिबन काटते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं और उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं। नहीं, आप कितने टाइम से काम कर रहे थे आप यहाँ पे? हमें 11 साल हो गए जी यहाँ काम करते हुए। नहीं, क्या क्या कहा उन्होंने, क्या किस क्या क्या कटाया आपको? कुछ नहीं कहा, क्या कहा, एक बोला भी ठेकेदारी बंद होगी अपने अपने घर जाओ। हाँ, अब इतने दिन से हम यहाँ काम कर रहे थे, अब क्यों हटाया हमारे को, क्या हमारे एक तरफ से तो कहता है हम पक्के करेंगे कर्मचारियों को, मजदूरों को अच्छी रोटी देंगे, उनको अच्छी तनख्वाह देंगे। अच्छी रोटी देने के बजाय हमारे तो जो रोटी रुखी सूखी खा रहे थे वो भी छीन ली हमसे। त्यौहार भी नहीं मना रहे आज? नहीं जी, हमारे कैसे त्यौहार मनेगा जब हमारी कोई नौकरी कैसा ही नहीं। क्या नाम आपको? राखी। जो क्या कहना चाहेंगे? देखो, 38 दिन से ये जो सफाई कर्मचारी हैं जिनका गुजारे का साधन नहीं है, ये बेचारे सफाई करके जो है अब परिवार का पेट पाल लेते, कोई 10 साल से कोई 11 साल से है, इन लोगों को हटा के इनके पेट पर लात मार के कहीं के नहीं छोड़े, कैसे इन परिवारों का गुजारा होगा? तो मैंने तो इनकी आवाज़ पहले भी उठाई है और अब विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के नाम से जो है ये प्रार्थना की चीफ मिनिस्टर इनको रीएम्प्लॉयमेंट दो ताकि इनके बच्चों का गुजारा हो। और जो हमारे नगर परिषद में भी 3-3, 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनकी सेंक्शन नहीं आ रही, ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? कई 100 कर्मचारी जो है इसी प्रकार सोनीपत नगर पालिका में कारपोरेशन में ऐसे हालात पैदा हो, गरीब आदमियों के लिए जीना मुश्किल है। ये सरकार बिल्कुल गरीब के विरोधी है और इनके ये अपनी रोजी रोटी के लिए जो है इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है कि सरकार इनको रीएम्प्लॉयमेंट दे और जो कर्मचारी एक पॉलिसी बनाकर 5 साल से जो लगे हुए किसी भी महकमे में किसी भी कंडीशन में लगे हुए उनको पक्का करने के लिए सरकार कदम उठाए ताकि इन परिवारों का भला हो सके।